और ये पहली बार गाड़ी में डीजल पड़ रहा है, कितना खुश है देखो। एक्सचेंज करानी है, करा दूंगा। सर्विस करानी है, करा दूंगा। आ जा रुपए और ये मेरे से 6000 रुपए के लेके चला है पहाड़गंज। तो मैंने भाई दिल्ली में बोलो थंबनेल के लिए करना, एक बार थंबनेल के लिए चिपक गाड़ी के साथ। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग जो है वो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, महरोज भाई आए हैं दिल्ली और उनको लेनी है गाड़ी पोलो। ये देखो ये आ चुका है दिल्ली और अब हम जा रहे हैं गाड़ी देखने के लिए करोल बाग में, या फिर आगे पीछे देखेंगे कहाँ से गाड़ी लेनी है। ऐसे तो मैंने एक दो फाइनल करके रखी है, देखते हैं शायद से वही हम फाइनल करके लेंगे वाइट कलर में। अब देखते हैं आपको पहुँच के बता। तो गाइस पूरा करोल बाग घूमा, हर जगह हर शोरूम में गए, इसको पोलो लेनी थी और कोई इसको लेनी नहीं थी। तो मैंने सोचा दिल्ली में पोलो अंदर से हैदराबाद, मतलब गाड़ी में कंडीशन बाहर से अच्छी है, सीट कवर भी नहीं डलवा दी है, सब कुछ साउंड सिस्टम अच्छा है, लेकिन जो इंजन की बजी हुई है ना, मतलब ठीक है। एक दो जगह पे हमें साफ मिली लेकिन रेट बहुत ज़्यादा थे। अब किसी ने बोला कि एक डीलर है यहाँ पे आगे वजीरपुर में, अशोक विहार जगह है, वहाँ पे एक डीलर है, वो अच्छी गाड़ियाँ देता है। अब हम जा रहे हैं वहाँ, देखते हैं वहाँ पे भी एक पोलो है वाइट कलर की, कलर भी अच्छा है। अब उसको देखते हैं हम, अच्छे से टेस्टिंग करेंगे और फिर बताते हैं आपको कि भाई गाड़ी कैसी और कैसी नहीं, आपको अच्छे से बताएंगे कौन सा डीलर अच्छा है कौन सा नहीं। तो गाइस अभी हम आए हैं यहाँ वजीरपुर में, वो RM मोटर्स है वहाँ पे और ये है गाड़ी। थंबनेल के लिए करना, एक बार थंबनेल के लिए चिपक गाड़ी के साथ। देखो अभी गाड़ी को हमने देखी अच्छे से, अब भैया बोल रहे हैं एक बार मैं आपको इसका थोड़ा सा इंटीरियर दिखा देता हूँ। बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंटीरियर है और जो मेन बात है ना, 2014 मॉडल है लेकिन फिर भी जो इसका स्टीयरिंग है ना वो न्यू शेप वाला है, 15 मॉडल है ये और गाड़ी बहुत ही प्यारी है। अच्छी गाड़ी मिल गई है हमें, अभी तक चलाने में तो ठीक लगी है हमें और इंजन भी साफ है इसका, चली भी कम है, अच्छी डील मिल गई है। बस थोड़ी नेगोशिएशन चल रही है भैया से, देखते हैं। टॉप मॉडल है और महरोज भाई को भी बहुत पसंद आई है, रखी थी मैंने इसके लिए स्पेशल गाड़ी, आप देखते हैं। और भैया अच्छे लगे हैं बात करने में भी, अभी आपको भैया से भी मिलाएंगे। और भी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे, देखो बेलिनो है, होंडा सिटी है और पता नहीं इको स्पोर्ट है क्या है, वो होंडा की जैज भी है, ये होंडा सिटी भी है, ये स्विफ्ट भी है, एक बहुत गाड़ियाँ हैं यार यहाँ पे और अच्छी गाड़ी मिल गई है। बस इसको धुलवा रहे हैं भैया, फिर हम इसे अच्छे से एक बार नज़र मारेंगे और फिर गाड़ी आज ही लेनी है अभी इसी होते भैया, बस गाड़ी अभी लेंगे और फिर आपको बताएंगे आगे का क्या रहता है इसका सिस्टम क्या नहीं, बट ये भागने में बहुत सही है। गाइस आपको मैं बताता हूँ इसकी आवाज़ सुनो, आप देखना कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी। नॉइस ही नहीं है इंजन की भाई, ये क्या है, डीजल इंजन है भाई, डीजल इंजन। भाई एक नंबर गाड़ी, ये है गाड़ी की चाबी और अभी तक गाड़ी जो है बहुत पसंद आई है मुझे भी, महरोज भाई को। गाड़ी की कंडीशन देखो, इसको अभी हम बफिंग करा रहे हैं, अच्छी होगी इसकी गाड़ी, शाइन मारेगी, जो स्क्रैचेस थे वो ख़त्म करवा रहे हैं। पोलो हमने पसंद किया वाइट कलर की, और उसकी कंडीशन बताओ गाड़ी को, अंदर से इंटीरियर तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। गाड़ी की कंडीशन नहीं, टायर की एकदम नए हैं। अब महरोज भाई से पूछो गाड़ी कैसी लग रही है, अगर आपको किसी भी गाड़ी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए, कोई गाड़ी आपको लेनी है, आप मुझसे भाई से कॉन्टेक्ट करें, उनको सारी सारी मार्केट पता है यहाँ की, ये आपको ट्रस्टेड बंदों के पास लेके आएंगे, एक से एक अच्छा बंदा गाड़ी देंगे। लेकिन हाँ गाड़ी ये बोलता है कि पैसे भी दो थोड़े बहुत, ये ले तो पैसे तो लूंगा ना, कमीशन तो लूंगा, मेरे से 25,000 रुपए लिए, 25 नहीं 50 ऐसे ही बोल रहा है, 50,000 रुपए लिए और मुझे कहा था लिया 25,000 रुपए और ये मेरे से 6,000 रुपए के लेके चला है पहाड़गंज, 6,000 रुपए लेके कह रहा है पहाड़गंज जाना, मुझे नहीं पता क्यों जाना इसको, लिए भी 6,000 है, 6,000 और है भी हमारे हाफिज साहब, देख लो मुझे नहीं पता इससे पूछो। लाइट भी चेंज करवा देंगे, सर्विस भी करवानी है गाड़ी की वो भी करवा देंगे, लाइट भी चेंज करवा देंगे, फिलहाल यहाँ से हम सर्विस कराएंगे, वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। सर्विस करानी है, करा दूंगा, सर्विस करानी है, करा दूंगा, आ जाओ। गाड़ी को जम्मू पहुँचाना है, पहुँचा देंगे, टेंशन नहीं करनी, बस वेट करना है इस ब्लॉग में, सिर्फ डिलीवरी तक बताएंगे, अभी भैया आएंगे उसको बताएंगे कौन कौन सी गाड़ी है, लेकिन लालपुरी बाद में मिलेंगे, लालपुरी मेरी 1300 लगी हुई है, रजौरी में वही काफ़ी है, बाकी थमाने नहीं होंगी, ठीक है। आगे आगे हम आपको डिटेल देते हैं और इसकी
चलाने में मक्खन है यार। ये टायर फुला हुआ था, ये भैया चेंज करा के दे रहे हैं हमें, बिल्कुल पता टायर की कंडीशन होते। ये देखो टायर फुला हुआ था, यहाँ से फुला हुआ था टायर, तो भैया ने कहा कि अब ये भैया चेंज करा के दे रहे हैं हमें, नया टायर डाल के देंगे इसकी जगह फुल गारंटी में, है ना भैया? इंजन की भी गारंटी है ना, इंजन की कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास चलेगा, फिर सर्विस करवा लेंगे, इंजन की कोई गारंटी नहीं है भाई मेरे को। तेल की टैंक को कुछ नहीं होता। गाड़ी अब हमने पेमेंट शेमेंट ऑलमोस्ट कर दी है, कागज बन रहे हैं महरोज भाई के, बस आप ले जाएगा गाड़ी, फिर हम डिलीवरी लेंगे, कल इसकी सर्विस वगैरह कराएंगे गाड़ी की। गाड़ी ओके है, मजा आ रहा है, समझ आएगी आस्ता आस्ता। तो ब्रिजस्टोन का टायर था पहले, इसमें वापस से ब्रिजस्टोन का डलवाएंगे सेम कंडीशन में, चारों टायर अच्छी कंडीशन में। तो गाइस फाइनली गाड़ी ले ली है महरोज भाई ने। महरोज भाई मुबारक हो यार, बताओ नहीं क्या लेके आए हो। तो अभी हमें डिलीवरी का व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया है, थोड़ी लाइट फ्यूज रखी थी वो भैया ठीक कर रहे हैं, टायर जो फूला हुआ था भैया ने वो हमें चेंज कर दिया, बहुत अच्छी सर्विस दी है। क्या कहना चाहोगे भैया की सर्विस के लिए? कैसा डीलर ढूंढे मुझे, बस मेरी गाड़ी की चाबी दे दो। ओके मेरी गाड़ी की चाबी आपको जरूरी जाके मिलेगी, अभी नहीं मिल सकती यहाँ पे। ठीक है गाइस, अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। जी मसूद भाई, हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस है आपका गाड़ी आपकी, आप बताओ कैसा फील आ रहा है पैसेंजर सीट पर बैठ के? पैसेंजर सीट पर आपने मेरे को बैठाया, आप मुझे तो ड्राइव आप कर रहे हो, आपको कैसा लगा इसको, जैसे आपने इसको मतलब हाई स्पीड भी टेस्ट किया? अभी हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे थे और मैं आपको बताऊं अभी टायर भी इसके मतलब हमने अलाइनमेंट और बैलेंसिंग नहीं करवाई है, सर्विस भी मांग रही है, बट फिर भी 150 पर ये इतनी स्टेबल थी, मतलब इससे पहले मैं स्विफ्ट की स्टेबिलिटी का फैन था, फिर मैं 820 की स्टेबिलिटी का फैन था, बट आज थैंक्स डाउन बोलो ने बता दिया कि वो क्यों किंग है अपने सेगमेंट में, Volkswagen ने साबित कर दिया है, Volkswagen ने भी साबित कर दिया, बट Polo का जो इसमें रोल है वो बहुत बड़ा है कि भाई। तो मतलब क्या आप सेटिस्फाई हैं इस गाड़ी से? सेटिस्फाई हूं, जो इस रेंज में भैया ने दिया वो भी बड़ा बहुत ही अच्छा दिया, और जो डील हमें मिली है और जो कंडीशन में गाड़ी हमें मिली है, इंजन जो सेट है कोई नॉइस नहीं, इतना साइलेंट है, ये देखो अभी भी मैं 80 की स्पीड में हूँ फोर्थ गियर पे, और बहुत साइलेंट इंजन है, आपको कोई नॉइस नहीं आएगी इसमें, स्विफ्ट बहुत नॉइस करती है बट इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है, और अभी मैंने इसको बहुत खींचा हुआ, मैं क्लिप्स अगर देखूंगा डाल दूंगा, पहले तो मुझे घर वालों से बेइज्जती भी खानी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं डाल देंगे वो। दिल खुश हुआ ना आपका? दिल खुश है, आप खुश हुए कि नहीं? आपको मैं तो खुश हूँ, लेकिन आपने मुझे खुश ही नहीं किया अभी। बहुत वो मैं दूंगा आपको एक ट्रायल, मैं बताता हूँ, मैं एक हफ्ते से इसके लिए गाड़ी ढूंढ रहा था साफ, और फाइनली मुझे बहुत देर के बाद ही गाड़ी मिली, बट साफ मिली। मैंने बहुत सी गाड़ियाँ देखी, एटलीस्ट मैंने 7-8 बड़ी बात ये हमें जो कलर था वो अच्छा मिल गया, ब्लैक कलर था वो भी अच्छा था, बट व्हाइट मेरे को मन था कि रेड मिल जाता, मेरे को मन था कि रेड मिल जाता, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, फिर अब रेड ये था कि रेड वाले जो रेड कलर था उसकी कंडीशन नहीं अच्छी थी। चलो जो मिल गया मिल गया यार, चिल करो, अब हम इसी को एंजॉय करेंगे, इसी कलर में हम मजे करेंगे, और अब कल जो कल हमने सर्विस करवानी है और जो बाकी काम होगा बैलेंसिंग करानी है, उस काम अलग व्लॉग में आपको बताएंगे, और आपको इसकी हम एक हफ्ता रेगुलर अपडेट इसकी हम आपको एक हफ्ता रेगुलर अपडेट देते रहेंगे क्या किया, और जब बाकी भी काम होने वाला है ना भाई साहब, आप बस जुड़े रहो और देखते जाओ कि होने क्या वाला है, काम करेंगे इसके साथ, स्कॉर्पियो एवेन्यू के साथ किया ना, उससे एक लेवल ऊपर करेंगे इसके साथ। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग।